बॉलीवुड फिल्मों में अगर मैं एक्टिंग को लेकर बात करूं तो अभिनेत्रियों के मामले में एक नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो कि है क्वीन कंगना रनौत का नाम। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल में। हम सब जानते हैं कि क्वीन कंगना रनौत ने 3 बार नेशनल अवार्ड जीता है और नेशनल अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है। एक्टिंग के मामले में कंगना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, फोकस्ड है। ऐसे में दोस्तों कंगना का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई पर आ रही है फिल्म। मैं इसीलिए इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसे साउथ के डायरेक्टर क्रिश, बहुत ज़्यादा फेमस डायरेक्टर है अगर आप देखेंगे उनका विकिपीडिया और उनकी फिल्म्स, तो क्रिश इसको लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ विजेंद्र प्रसाद जी ने इस फिल्म में स्टोरी लिखी है। विजेंद्र प्रसाद कौन? जिन्होंने बाहुबली 1 और बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन जैसी हिट, सुपर डुपर हिट फिल्में लिखी। और मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की तो स्टोरी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। ऐसे में दोस्तों ये जो फिल्म आ रही है, क्लैश तो मैंने आपको बता दिया था कि ऋतिक रोशन की सुपर 30 के साथ होगा क्लैश, लेकिन इसका 1 मिनट से ज़्यादा टीज़र, मतलब एक मोर देन 1 मिनट का एक टीज़र आ रहा है दोस्तों 15 अगस्त को। हम सब जानते हैं 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन होता है, भारतवर्ष को आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से 1947 में। भारत को आज़ादी तो मिलती है, साथ ही साथ 15 अगस्त को इस बार यानी कि 2018 में गोल्ड फिल्म आ रही है, तो गोल्ड फिल्म के साथ मणिकर्णिका का टीज़र अटैच किया जाएगा और हम सिनेमाघरों में गोल्ड फिल्म देखने से पहले, जो कि एक और देशभक्ति पर फिल्म है, उससे देखने से पहले देश की सबसे बड़ी सुपर हीरोइन यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर की जो जीवनी आ रही है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, उसका टीज़र देखेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं और प्लस कंगना रनौत से एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने उस फिल्म के अंदर जस्टिस किया होगा। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं इस टीज़र के लिए, ये बताइए। ऑफकोर्स यार, ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की अपडेट लाता रहूँगा मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।